गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और आज अपना घर में दूसरा दिन है। अभी घर से निकल चुके हैं, अभी ये टिप्पर लेके चलना है अपने को माता का मठ, और माता का मठ से फिर चलना है अपने को नखत्राणा। जिस काम के लिए आए थे वो काम आज हो जाएगा शायद, फिर निकल जाएंगे वापस गाड़ी पे कल, अगर काम हो गया तो। क्या रहेगा क्या नहीं, दिक्कत कुछ हो गई तो भाई कुछ और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं, अभी करते हैं अपना सफर कंटिन्यू माता के मठ तक। अभी हम पहुँच चुके हैं माता के मठ, और ये माता का मठ गांव, वो माँ आशापुरा का मंदिर, ये गांव है। अब चलते हैं यहाँ से भाई। अभी नखत्राणा से वापस आ चुके हैं माता के मठ माइंस पे। अब चलते हैं यहाँ से कांटे के पास गाड़ी लेने के लिए। जिस गाड़ी को मैं लेके आया था ना वापस से, उसी गाड़ी को लेने जाना है अपने को। वो गाड़ी लोड करके रख दी है बंदे ने, तो वो ले जाएंगे घर पे। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। और भाई ये माइंस का रोड जो कि एकदम कच्ची सड़क है, गेट पे वैसे थोड़ी देर बैठता तो गाड़ी मिल जाती अपने को कांटे तक के लिए, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कांटा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 700 मीटर होगा। पैदल ही चलते हैं, चल के गाड़ी लेकर फटाफट से निकल चलते हैं। फिर गाड़ी के लिए भाई रुके, और गाड़ी ना आए तो दिक्कत हो सकती है। भाई ये कांटे बन रहे हैं नए वाले, लंबे कांटे बन रहे हैं, शायद अपनी 14 चक्का और 16 चक्का भी, 16 चक्का भी इधर भरने के लिए आ सकती है। तो चलते हैं पहले गाड़ी के पास। भाई वो खड़ी है अपनी गाड़ी, आ चुके हैं गाड़ी के पास, फटाफट से निकलते हैं घर पे चलते हैं। और भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये गाड़ी लेके चलना है अपने को 16:09। आते समय हम लेके आए थे 60-73। भाई अभी माता का मठ क्रॉस कर लिया है हमने, चल रहे हैं अभी। भाई प्यास काफ़ी लगी है, पानी पी लेते हैं दया पर चल के, ना सीटें वगैरह कुछ नहीं है इस गाड़ी में। इसमें क्या किसी टिप्पर में नहीं है, जो कंपनी की गाड़ियाँ हैं ना उनमें किसी में सीट, एक ड्राइवर सीट के अलावा कोई सीट ही नहीं है गाड़ी में। भाई चलते हैं अभी घर पे, पहले दयापुर में रुकते हैं यार, पानी पी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है और धूप इतनी ज़्यादा है भाई, क्या ही बोले। चलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी में क्या ही गाड़ी को चलाएंगे, और इसका गर्मी मीटर ये लगा हुआ है साइड में, आलम से निकाल के पास पहुँच रही है गर्मी। चल रहे कंटिन्यू सुबह पर, क्रॉस कर लिया है, और ये बांद्रा का पावर प्लांट जो अभी चालू है, प्लांट बोल रहे बंद होने वाला है, पता नहीं कब बंद होगा। और भाई आगे से राइट साइड में रोड जो है वो जा रही है जीबी प्लांट के अंदर, और हमें चलना है यहाँ से सीधा। ये बस भी प्लांट के अंदर ही जाएगी, स्टाफ की बस है, ये रोड जा रहा है प्लांट के अंदर, ये बस भी इसी साइड में जाएगी। बस भी घूम गई है प्लांट के, प्लांट वाले रोड पे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी ने हालत ख़राब कर दी है भाई। हम यहाँ से अपना गांव 1 किलोमीटर ही बचा है, फिर चलते हैं घर पे। ये पेड़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, वो बाहर अपनी स्कूल है, अभी तो बंद है क्योंकि छुट्टियाँ हो गई है घर के लिए और स्कूल के लिए। ये आ चुके हैं हम अभी अपने गांव में। हल्का सा गड्ढा आएगा और गाड़ी कितनी बजेगी देखिए। ये पेट्रोल पंप है शहर का, यहाँ पे एसआर और भारत के दो पेट्रोल पंप है। एक गांव, गांव के अंदर एंटर करते ही है एसआर का, और गांव पार करके 2-2.5 किलोमीटर आगे चल के एक राइट साइड में भारत का भी पेट्रोल पंप आएगा। भाई ये गाड़ी अभी चलते चलते अचानक से बंद हो गई, फिर पता नहीं कैसे भाई अपने आप स्टार्ट भी हो गई, समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। एक तो इसका स्टेयरिंग इतना टाइट है, और ऊपर से टर्निंग भी ऐसी है कि गाड़ी
सही से करती ही नहीं है भाई। अब चलते हैं घर की ओर, हालत ख़राब हो चुकी है और भाई धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये गाड़ी है जो मैं लेके गया था माता का मढ़, ये गाड़ी छोड़कर फिर आगे बढ़ा था। ये गाड़ी तो ये वैसे तो थोड़ी सही है गाड़ी, बस चलने में थोड़ी दब रही है, बाकी गाड़ी उससे तो बढ़िया है जो अभी लेके आए ना उससे। अभी जा रहे हैं वर्मा नगर, अभी 5 बज चुके हैं। कितना बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। हाँ, 5:58 हो चुके हैं और भाई अभी बाइक पे है ये मिस्टर ब्लैक लायन। हेलो मिस्टर ब्लैक लायन, ये बाइक तो एकदम नया लिया था लेकिन भंगार कर दिया क्योंकि ये समाज सेवा में ज्यादा चलती है। ये बंदा मुंह का भारी है, किसी को मना कर नहीं पाता है, जो जिसको मर्जी हो लेके चला जाता है बाइक। हाँ पहले से ही ऐसा है ना भाई सिस्टम। और भाई ये रोड जा रही है ओम मन्ना शाह के मंदिर की ओर, आगे मंदिर है ओम मन्ना का। फिलहाल तो हम चल रहे हैं वर्मा नगर के लिए और भाई भूख भी लगी है, कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं। आज नाश्ता कराएगा ना तू? चल ठीक है, ऐसे भी मैं तेरे से मांग रहा हूँ कल के 50 रुपए, ठीक है? ये मार्केट कॉलोनी के अंदर चलेंगे भाई, चलेंगे कॉलोनी के अंदर SKV नगर। भाई अब लेंगे यहाँ से राइट साइड में टर्न और ये GB और GMDC की कॉलोनी है, ज्यादातर अफसर यहीं पे रहते थे। अब लेफ्ट साइड में हमने भी यार खाते में पैसे डालने हैं, अभी बैंक तो बंद हो चुकी है, कहाँ से डलवाएंगे कुछ भी करके, क्योंकि कल किस्त है गाड़ी की। ज्यादा नहीं है, कम कितने पड़ रहे अपने को, तेरा 14,000 कम पड़ रहा है, वो तो अपने पास है कैश में। कैश यही डलवाना है, हाँ इतना ही डलवाना है। हम आए हैं यहाँ पे बेल खाने के लिए, बेल बना रहे हैं। भाई ये तीखा नहीं खाएगा? नहीं नहीं ग्रे ले, तीखा नहीं बनाए, मीठा तीखा नहीं, ये तीखा नहीं खाता है। बन गया है क्या? चलो स्टार्टिंग में रुको तो सही, बना ही दिया है, रुकने जितना टाइम नहीं है अपने पास। क्या यार आप रुको रुको बोल रहे हो यार, टमाटर कम डाल रहे हो? हाँ और डाल दो, हाँ तो YouTube पे डाल दूंगा आपको भी। पहले बना था ना, बेल बना था उससे पहले, ये क्या डाल दे भैया, ये क्या डाल दे? ये देखो वो नींबू का बीज, ये वो निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा तो ठीक है, वरना दिक्कत देता है ये काफी। नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये बना रहा है वीडियो। यहाँ पे अपनी हो रही है प्रमोशन, ये भाई कर रहा है प्रमोशन अपनी। हाँ यार ब्लॉगर हो तुम, बड़े ब्लॉगर बन गए। ये अभी भर भर के सेव छिड़क रहे हैं ऊपर, क्या बात है, इमली रख के बैठे हो, हाँ कैसी है, मीठी है वो है? तुम्हारे को तीखा करो, हाँ कर दो तीखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डल रही है अब तीखी चटनी। हम पहले तो बोल ना, कोई नहीं बोल देंगे। चलो भाई खाओ तो सही, कैसा है टेस्ट? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये उस्ताद बेल बनाने वाले भाई, अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और मैं बैठा हूँ अभी घर के बाहर। लाइट चली गई थी, लाइट अभी आई है जस्ट, क्योंकि कहीं खंभे गिर गए थे बिजली के, वो खंभे लगा रहे थे इसलिए लाइट चली गई थी। तो फिलहाल बैठे हैं यहीं पे, अपना दोस्त एक आ रहा है, फिर खेलेंगे PUBG और फिर घर पे जाके सो जाएंगे। और भाई अपनी गाड़ी का जो लोड है वो कन्फर्म हो चुका है कोटा के लिए, तेल भरना है, गाड़ी निकल गई है तेल भरने के लिए।
अपना एक सब्सक्राइबर भाई है वो गया है भरने के लिए, उसका मेरे को कॉल आया था, वो मेरे से मिला भी था नखत्राना में आज, और मैं भाई बस में बैठ गया था तब वो बंदा आया था, इसलिए वीडियो वगैरह तो कुछ बना नहीं पाया, लेकिन वो गया है अभी भरने के लिए। तो अभी भाई मुझसे वो जस्ट निकला ही है, बाकी देखते हैं कब तक लोड होगी, कब निकलेगी और मैं कब यहाँ से फ्री होऊंगा। शायद इस चक्कर में नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा, देखते हैं किस बंदे को भेजेंगे गाड़ी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी हम आ चुके हैं खेत पे चारा लोड करने के लिए। बहादुर सिंह ऑपरेटर है हमारे, यहाँ पे होगा कांटा। अभी घास भर के निकल चुके हैं हम, मिस्टर कानभा, बहादुर सिंह, भूपत सिंह, सब सिंह साथ में। और भाई ये हमारे खेतों का रास्ता, जो कि काफी सकरा रास्ता है, छोटा सा। मिस्टर बहादुर सिंह कैसा लग रहा है? नहाना है? नहाएंगे भाई, नहा लेंगे, कोई नहीं, बस ये ना गिर जाए, जैसे तैसे जंबो को ऊपर रखा है भर के। मैं और ये मेरा भतीज सिर्फ हम दो ही थे ऊपर खींचने वाले। हाँ भरा इन लोगों ने, लेकिन उठा के इधर ऊपर हमने रखा है। ये एटीएम रुका हुआ है, नहीं दिखाई देगा क्योंकि पेड़ घने हैं यहाँ पे। भाई अभी पड़ चुका है अंधेरा और बज रहे रात के 9, घर पे बैठे हैं खाना खाने के लिए। और भाई ये रोटी ऊपर घी लगाया हुआ, बाजरे की रोटी, सेव टमाटर की सब्जी, छाछ और दही कहाँ पर, और घी थोड़ा डालना है सब्जी में, घर का ही घी है अपने। बस इतना बहुत है, दूसरी बार जब सब्जी लेंगे तब और डालेंगे इसमें।